बरसों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंधु वापस न ले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी इस बयान की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान राम मंदिर की चर्चा करते हुए पाकिस्तान से सिंध वापस लेने की बात कह दी। बस क्या था, पाकिस्तान को इस बयान से ऐसी मिर्ची लगी कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने मुख्यमंत्री के इस बयान पर तीखा रिएक्शन दे डाला। पाकिस्तान ने मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए इस पर चिंता जाहिर की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय सिंधी सम्मेलन को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर राम जन्मभूमि को 500 साल बाद वापस लिया जा सकता है तो ऐसा कोई कारण है ही नहीं कि हम सिंध को वापस ना ले सकें। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सिंधी समाज भारत के सनातन धर्म का मान्य अंग है। 1947 में देश के विभाजन को रोकने में कामयाबी मिल सकती थी, मगर एक व्यक्ति की जिद के कारण एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के रूप में देश से अलग हो गया। आज भी उस विभाजन की त्रासदी आतंकवाद के रूप में दिखाई दे रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के सख्त रवैये के कारण आतंकवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। मुख्यमंत्री का कहना था कि अगर राम जन्मभूमि को वापस लिया जा सकता है तो हम सिंधु यानी सिंध को भी पाकिस्तान से वापस ले सकते हैं। हमें मौजूदा पीढ़ी को इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। सिंधी समाज से जुड़े बहुत लोग सिंध से आकर भारत की तरफ आते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले यही लखनऊ में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से सिंधी समाज से जुड़े हुए सिंध से आए हुए लोगों ने किस प्रकार कितनी आपकी थी सुना रहे। दिल्ली में उनके कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब भी हम देखते थे किस प्रकार की घट राजनीति से आदमी गुजर करके वहां पर अपने धर्म अपनी परंपरा अपनी संस्कृति को बचाते हुए कार्य कर रहे हैं। 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंधु वापस न ले। पाकिस्तान के विदेश विभाग की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने एक बयान में कहा कि हम लखनऊ में राष्ट्रीय सिंधी सम्मेलन में भारत के सत्तारूढ़ दल के प्रमुख सदस्य और यूपी के मुख्यमंत्री की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों की निंदा करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा वाला नेता बताया। पाकिस्तान ने इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा कि राम जन्मभूमि वास्तव में बाबरी मस्जिद की जगह थी। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा कि ये चिंता की बात है कि भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोग अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत इस तरह के विचारों को बढ़ा रहे हैं। भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ सभी प्रकार के विवादों को खत्म करना चाहिए। कुल मिलाकर ये जान लीजिए कि इस सिंध वाले बयान से पाकिस्तान में खूब हलचल हुई है, क्योंकि भारत लगातार एक मजबूत और शक्तिशाली देश के रूप में दुनिया के सामने उभर रहा है।